राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर की गोपाल मार्ट हाई स्कूल परिसर में युवा महल की तरफ से आयोजित दुर्गा पूजा का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पूजा पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन किए जाने को लेकर लोगों में काफी खुशी देखी गई। इस दौरान पूजा पंडाल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक के बाद एक राज्य के विभिन्न जिलों के दुर्गा पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर के गोपाल मार्ट हाई स्कूल परिसर में युवा महल की तरफ से आयोजित दुर्गा पूजा का वर्चुअल उद्घाटन किया। मंगलवार की देर शाम वर्चुअल उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वर्चुअली उद्घाटन समारोह से जुड़ी, जहां उनके साथ राज्य के मंत्री बाबुल सुप्रियो और इंद्रनील सेन भी विशेष रूप से उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ से युवा महल द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के पंडाल के पास दुर्गापुर नगर निगम के पूर्व MIC एवं विशिष्ट श्रमिक नेता प्रभात चैटर्जी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP तथागत पांडे और पूजा कमेटी के सदस्यों के साथ काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पूजा पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन किए जाने को लेकर लोगों में काफी खुशी देखी गई। इस दौरान पूजा पंडाल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। दुर्गापुर नगर निगम के पूर्व MIC एवं विशिष्ट श्रमिक नेता प्रभात चैटर्जी ने कहा कि पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने युवा महल के दुर्गा पूजा का वर्चुअल उद्घाटन किया था और इस वर्ष फिर से मुख्यमंत्री आंखों वर्चुअल तरीके से पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि हम लोगों के लिए यह काफी खुशी और गर्व का विषय है। माननीय মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সমস্ত বাংলায় জুড়ে তিনি যে দুর্গা প্রতিমা যে উৎসব উদ্বোধন করছেন ভার্চুয়ালি, সেই ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মধ্যে গত বছরও আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছিল, গত বছরও আমাদের ভার্চুয়ালি দুর্গোৎসবের উদ্বোধন হয়েছিলেন করেছিলেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বছরও তিনি দুর্গাপুর যুবমহল অর্থাৎ গোপাল মাঠের যুবমহল, এই যুবমহলকে এই ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মধ্যে তিনি জায়গা করে দিয়েছেন, তার জন্যে তাকে আমরা কোটি কোটি প্রণাম জানাচ্ছি আমাদের গোপাল মাঠ যুবমহলের পক্ষ থেকে। এবং তার কাছে আমরা আবেদন রাখছি, তিনি যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গকে নতুন একটা দিক নির্দেশ করেছেন এবং উন্নয়নের রথকে যেভাবে ত্বরান্বিত করেছেন এবং তিনি যেভাবে বাংলার সাথে সাথে সারা ভারতবর্ষের মানুষের সমস্ত ধর্মের মানুষকে নিয়ে যেভাবে তিনি এগিয়ে চলেছেন, আমরা মায়ের কাছে কামনা করছি, প্রার্থনা করছি যে আমাদের নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দীর্ঘজীবী হন এবং আগামী দিনে তিনি ভারতবর্ষকে পরিচালনা করুন। दुर्गापुर से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। कार चाल देखो, ओहो महिषास। पूजोर अड्डा ब्रेक চেঞ্জ করে নাও, ঠিক নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পূজোর সকাল বিকেল সেই ধূপ দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা টাটা স্ট্রাকচারা।